खुश हैं कि लोगों के प्रति जो गरीबों का मसीहा, जो गरीबों का, दलितों का, अब पिछड़े को जो आवाज उठाता है, उसमें पप्पू यादव खड़े उतरे हैं। लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री हो करके परदेशी को ट्रेन से नहीं भेजा, वो पप्पू यादव इधर का उत्तरी क्षेत्र में उनका हाथ टूटा हुआ था, पप्पू जी यादव के कारण उनका हाथ जुड़ गया हुआ था। बिल्कुल लॉकडाउन में बांटे, पानी में बांटे थे, लेकिन ये लोग क्षेत्र में पानी सब कुछ, राशन पानी सब कुछ बांटा, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे थे, उस इंसान को सपोर्ट करेंगे जो जैसे अंग्रेज लोग राज करते थे ना कि फूट डालो राज करो, वही ये है। पप्पू यादव पूरे पटना में भोजन घूर घूर के देता है गरीब को, पसंद है एकदम एकदम। नेता जनरल नेता है, जमीनी नेता है, काम नहीं किया है, का काम किया कि नहीं किया? अगर नीतीश कुमार में दिक्कत रहता, काम नहीं करता। पप्पू यादव ने जिस तरह का क्षेत्र में काम किया है, बाढ़ में जो पप्पू यादव अपना सहयोग राशि दिए है, कोई नेता कोई विधायक दिया है क्या? याद है भैया, बाढ़ के समय में गर्दनी बाघ घुमा था, याद है। पप्पू यादव बिहार के चर्चित नेता है, उनकी वो काफी चर्चित है और अपने कामों के वजह से हमेशा सुर्खियों पे रहते हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों का मामला है कुछ और है। उनकी जो पार्टी है, उनका विलय कांग्रेस में हो गया है, बहुत दिन से ये अटकले जा रही थी। आइए पटना की जनता से पूछेंगे कि पप्पू यादव चर्चित नेता है, बहुत पसंद लोग उनको करते हैं, उनकी पार्टी जो है कांग्रेस में उनका विलय हो गया, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया देखते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आदरणीय पप्पू यादव जी का, कि पूर्णिया का सीट जो है वो फिक्स हो गया है, ठीक है। जो उनके रैली में जो संबोधित पप्पू यादव किए थे, जो रैली में सलाह है, उससे हम बहुत खुश हैं कि लोगों के प्रति जो गरीबों का मसीहा, जो गरीबों का, दलितों का, अब पिछड़े को जो आवाज़ उठाता है, उसमें पप्पू यादव खड़े उतरे हैं। अब पप्पू यादव एक उभरता चेहरा है, उनका समर्थन हम पूरे बिहार में कितने गरीबों के मसीहा है, एक लालू यादव जी को भी कहा जाता है गरीबों के मसीहा है, एक पप्पू यादव जी को भी कहा जाता है, आखिर है कौन वास्तविक? देखिए, दलित का, पिछड़ों का, गरीब का जो आवाज़ उठाएगा, हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, पूरा बिहार उसके साथ है, ठीक है। तो लालू यादव ने जमीन पर जो बैठते थे, भुइयां में जो बैठते थे, जो लोगों को पीछे में झाड़ू बांध के चलने का आदेश, ऊंचे जाति के लोग थे, उनके यहाँ चप्पल उतार के जाने का ही था, लालू यादव ने उस चीज को खत्म किया, हम उसका समर्थन करते हैं, ठीक है। अब पप्पू यादव ने जिस तरह का क्षेत्र में काम किया है, बाढ़ में जो पप्पू यादव अपना सहयोग राशि दिए है, कोई नेता कोई विधायक दिया है क्या? तो हम क्यों नहीं बोलेंगे कि वो जमीनी नेता है, वो गरीबों का मसीहा? हम क्यों नहीं बोलेंगे पप्पू यादव? ऐसा लग रहा था कि आरजेडी का दामन थामेंगे, लेकिन कांग्रेस को चुनाव, देखिए बड़ी बड़ी पार्टी कौन, बड़ी पार्टी कौन हिंदुस्तान में, बड़ी पार्टी कौन? एक बीजेपी है, कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन में गए तो लोगों को तकलीफ क्यों, ठीक है। जनता सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में आबादी अभी युवाओं का है, ठीक है। युवाओं के भावना का काम किया अगर इस देश में, तो अकेला नरेंद्र मोदी जी है, अकेला नरेंद्र मोदी। भावनाओं को संभाल कौन रहा है? भावनाओं को संभाल कौन रहा है? अरे भाई, आप नहीं देख रही पत्रकार बाबू? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि नहीं, आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? नागरिक के तौर पे अलग बात है, वो तो मेरा प्रश्न बैठा है, लेकिन क्या लगता है भावनाओं को संभाल कौन रहा है, युवाओं की भावनाओं? क्या बात है, जो पिछले 1947 के बाद जो हर चीज में आरक्षण देने का बात करे, जो हर चीज में रोजगार देने का बात करे, उन्होंने संभाला है, उनके आना चाहिए, ठीक है। इनकी सरकार जब से आई तो इनका भाई एक ही मुद्दा था, एक ही योजना था, इनको जैसे अंग्रेज लोग राज करते थे ना कि फूट डालो राज करो, वही ये है कि फूट डाल के राज करना चाहते हैं, ठीक है। तो युवाओं जो है इस बार जाग चुके हैं, युवाओं जो इस बार बदलाव चाहिए, और परिवर्तन संसार का नियम बदलाव है, और बदलाव हो के रहेगा, ये निर्णय कर चुका आदमी। क्या लगता है फायदा होगा? जरूर एकदम श्योरली जीतेगा, 100% उसका कोई रोल। आप कहाँ से हैं? हम शेखपुरा से हैं। पूर्णिया में एक रैली उनकी हुई थी, जनसैलाब आया था, लगता है जनसैलाब का फायदा पप्पू? एकदम 100% उनका जीत पसंद है, एकदम। नेता जनरल नेता है, जमीनी नेता है, ये तो मानना पड़ेगा। बहुत बार से हार से देख रहे हैं, बहुत बार हार सहना पड़ रहा है, हार पड़ना पड़ रहा है, इसलिए कि वो अपने पार्टी खुद मनाए है ना, और आज जो है पार्टी बेसिस पर वोट दिया जाता है। अभी जो है कांग्रेस की दामन थामे, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, इसलिए, और गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, श्योरली उनको जीत होगा, कोई रोक नहीं सकता, हम बहुत वोट से जीतेंगे। पप्पू यादव तो गरीब के लिए भगवान है, किस लिए? उसको जगह पर आवासीय में चल जाता है कार्ड लेकर के, कि हमको बच्ची की शादी नहीं होता, पप्पू बाबू मदद करिए गरीब को, तुरंत 25,000 देते हैं, जो उनका है। जिनको जो श्राद्ध नहीं होता गरीब आदमी को, तुरंत 31,000 रुपया देता है पप्पू यादव। पप्पू यादव बहुत अच्छा, और पप्पू यादव पूरे पटना में भोजन घूर घूर के देता है गरीब को।
पप्पू यादव जब कांग्रेस में चला गया तो कांग्रेस के दहना बाएं ठोस हो गया। सहरसा में फूल बहुमत से पप्पू यादव निकलेंगे और पूरे बिहार में तेजस्वी यादव निकलेंगे 2024 और 2025। अब तो बिहार मजबूत हो गया। क्या लगता है पप्पू यादव को फायदा होगा? बिल्कुल भैया, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है बेटा। लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री हो करके परदेशी को ट्रेन से नहीं भेजा, वो पप्पू यादव डेट ले जा करके दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, सगर जा करके कैंडिडेट खड़ा करके सब परदेशी को बस से भेजा गया है, ट्रेन में टिकट काट काट कर भेजा है पप्पू यादव। और लॉकडाउन में पटना में घूर घूर के किसी को भूख नहीं मरने दिया। पप्पू यादव गरीब को भगवान है। अभी पप्पू यादव को दुआ देते हैं, बेटा आज अमर रहो, तोरा सामने सब काल दूर रहे। और सहरसा जिला मधेपुरा से फूल बहुमत से बेटा आएगा, तू तुम्हारा पांचों पनिया भोट देगा पप्पू। पप्पू बाबू पांचों पनिया भोट देंगे तेजस्वी यादव को। पप्पू बाबू को पांचों पनिया भोट देगा। बिहार जाग उठा, अब बीजेपी भाग रहा है। क्या कहिएगा पप्पू यादव? जीतेंगे सर, जीतेंगे फूल बहुमत से। फूल बहुमत से लगता है फायदा होगा कांग्रेस के साथ जाने में? हाँ बिल्कुल। किसको फायदा होगा, पप्पू यादव को या कांग्रेस? कांग्रेस को फायदा होगा। ऑफिस हाँ, उसका एक हाथ टूटा हुआ था, वो हाथ जुड़ गया। बस हाथ बना रहे हैं। हाँ, जिससे बना, लेकिन इधर का उत्तरी क्षेत्र में उनका हाथ टूटा हुआ था, पप्पू जी यादव के कारण उनका हाथ जुड़ गया वापस। युवा इतना क्यों पसंद करते हैं पप्पू यादव? क्योंकि हम उनको आंख से देखे हुए हैं। 2019 में बाढ़ आई थी राजेंद्र नगर में, इतना गला भर पानी था, उस पानी में घूम घूम के सबको राशन पानी बांटा था। कोई और उस समय जिसका सरकार था वो भी नहीं गया था। नीतीश कुमार क्यों नहीं गए थे? वो गया था। और जो जेन्युइन वहाँ पे अपना लोकल क्षेत्र में नहीं न होने के बावजूद भी उस क्षेत्र में पानी सब कुछ राशन पानी सब कुछ बांटा, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे थे? उस इंसान को सपोर्ट करेंगे जो बैठा रहेगा? सुनो ना, जखनी राजेंद्र नगर 5 दिन वर्षा में जब डूब गया था ना, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी वहाँ से निकल गए। सुशील कुमार मोदी घर पे भी हाँ सुनिए ना, निकल गया वो पप्पू। आप भी बोलना, नहीं तो बोलना है तो बोलो, नहीं आप बोलना बाद में। ये कहाँ की बोलो, पप्पू यादव जो है गरी से टेलर पर सब चावल दाल तेल प्याज हरदी मिर्चा लोड करके और राजेंद्र नगर में स्कूल में उतारा और 15 दिन भंडारा किया और घर घर भोजन, घर घर बिस्कुट, घर घर दूध। देखिए ये कि पप्पू यादव बांट रहे हैं, हाँ। खाना बांट रहे थे, बिल्कुल लॉकडाउन में बात ये पानी में बांटे थे, हाँ। लेकिन ये लोग पप्पू यादव को क्यों नहीं चाहते हैं? तेजस्वी यादव को क्यों चाहते हैं? पप्पू यादव भी यादव है ना, ये लोग करते हैं तेजस्वी, समझे समझे? ये लोग तेजस्वी करते हैं क्यों भाई? हाँ यादव में पप्पू यादव भी है ना, पप्पू यादव का जनाधार देखे हैं आप? नहीं है जितना तेजस्वी का है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या किया है भाई भारपीड़ित के लिए? ये कह रहे थे कि वहाँ बैठे हुए थे, तो तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे? फार्म हाउस में बैठे हुए थे, दिल्ली में जाके, दिल्ली जाके फार्म हाउस में बैठे हुए थे। पता याद है भैया, बाढ़ के समय में गर्दनी बाग घूमा था, याद है? सुनिए आए थे तेजस्वी जी, बाजार समिति में आए थे तेजस्वी जी, वहाँ पे भी वो देखे थे सब कुछ, समझे? देखिए ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटा जाए। एक बात बताइए, नीतीश कुमार चलिए बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आप बताइए ना किसको बनाएं? कौन बेहतर है बिहार के लिए? जो बोलिए बताइए। हाँ, अगर एनडीए से अगर रामविलास पासवान को सपोर्ट करेगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे। एनडीए से रामविलास पासवान को सपोर्ट नहीं करेंगे। एक बात चिराग, दो ही को तो टक्कर नेता है, युवा नेता कौन कौन है अभी पक्ष में? एनडीए में चिराग पासवान और आरजेडी में कौन है? तेजस्वी यादव। दूसरा तीसरा कौन नेता? तीसरा किसको देखेंगे बताइए? हम मुख्यमंत्री किसको बनाइए बताइए? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, उसका नाम है मत लीजिए, समझे? जानते भी नहीं थे। क्या दिक्कत है? काम नहीं किया है? काम किया कि नहीं किया? अगर नीतीश कुमार में दिक्कत रहता, काम नहीं करता, तो मैं चेंज कर देता, लेकिन नीतीश कुमार काम कर ही रहा, किए भी है, कर भी रहे, आने वाला समय में करेंगे, तो चेंज क्यों करें भाई? चेंज क्यों करें? पप्पू यादव पे बात कर रहे थे, क्या लगता है फायदा होगा? कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो फायदा होगा कांग्रेस को या पप्पू यादव? पप्पू यादव को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, पप्पू यादव को पर्सनली फायदा होगा। कह रहे कि दाहिना हाथ समझे, पप्पू यादव को फायदा, कांग्रेस को फायदा होगा, पप्पू यादव सुनिए फायदा होगा। आपको पता होना चाहिए, जब वो निर्दलीय जब वो लड़ी थी ना अपने पार्टी से, तो तीसरा स्थान पर रहा था, आप सोच लीजिए कहाँ पे हुए। ठीक है, पप्पू यादव का पर्सनली फायदा, उसका ये लोग अपना सपोर्टर है, अपन कौन कौन कहीं के जा सकता है? मधेपुरा के हम खुद
यादव के कोई हवा नहीं है। सहरसा मधेपुरा कराने वाले हम है। सहरसा में चैनपुर मधेपुरा में बिहारीगंज आगे बोलो। मधेपुरा में बिहारीगंज है। पप्पू यादव 2019 के इलेक्शन में कहाँ रहा था? तीसरा या चौथा? तीसरा स्थान रहा था। किसके बदौलत? कोई हवा नहीं है। तुम देखे हो पप्पू यादव, तुम देखे हो अपने दम पे तीसरा स्थान लाया था और इस बार जीतेगा वो। इस बार पप्पू यादव को हराने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जातिवाद नहीं करना, बस वहाँ पर हवा नहीं। हम बस बोल रहे हैं जो वहाँ का कैंडिडेट उसके बारे में बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को हराने वाला कोई नहीं। एक मिनट सुने, पप्पू यादव कह रहे हैं, पप्पू यादव कन्फर्म हो गया, हाजीपुर से आरजेडी कन्फर्म हो गया, ये सब कन्फर्म हो गया, ये सब सीट जीता हुआ है आरजेडी, समझे? कांग्रेस वहाँ से जीत गए मधेपुरा, यहाँ से वोट के पहले बता रहे हैं, आंकड़ा लग रहा है ना, आंकड़ा लग रहा है वहाँ से कौन जीत रहा है कैंडिडेट, आंकड़ा दिख रहा है कि ये जीत रहे हैं, समझे? उसका किसका बोल? तो आपने पप्पू यादव पे जो है जनता की राय सुनी। किसी का कहना है कि पप्पू यादव के आने से जो है कांग्रेस का फायदा होगा, तो किसी का कहना है कि पप्पू यादव का फायदा होगा। बाकी आपकी क्या राय, आप हमें क्या बता सकते हैं, बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।